नमस्कार नमस्कार, आप हैं द खबरदार न्यूज के साथ और मैं हूं वीर खबर विदिशा से। 187 वर्ष पूर्व की परंपरा का हुआ निर्वहन, कोरोना काल में भी भगवान जगदीश स्वामी ने दिए भक्तों को दर्शन। आषाढ़ सुदी दूज को निकलने वाली जगदीश स्वामी रथ यात्रा का आयोजन मनोरा में किया गया, जिसमें सुबह पुजारी द्वारा प्रातःकाल भगवान की पूजा अर्चना कर एवं भोग लगाकर भगवान जगदीश स्वामी बलदाऊ जी महाराज एवं सुभद्रा माई को रथ में विराजित किया गया और भगवान ने पूरे ग्राम में भ्रमण किया एवं अपने भक्तों को दर्शन दिए। पूरे मानोरा में जय जगदीश के जयकारे गूंजते नजर आए। जनकपुरी मंदिर जाकर रुका रथ, देर शाम तक भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। मनोरा में देर शाम तक भक्तों का आना जाना लगा रहा, साथ ही मेला ना लगने की वजह से लोग एकत्रित नहीं हो सके और दर्शन करके अपने घर की ओर प्रस्थान करते नजर आए। प्रशासन ने रथ यात्रा पर लगा दी थी रोक। पूर्व में प्रशासन एवं ट्रस्ट की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें रथ यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन 187 वर्ष पूर्व की परंपरा के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और भक्तों की आस्था के सामने कोरोना रूपी महामारी नहीं टिक सकी। अचानक से रात्रि में रथ यात्रा निकालने के आदेश दे दिए गए और सुबह प्रातःकाल की रथ में विराजमान होकर भगवान निकले। जैसे ही क्षेत्र में रथ यात्रा की जानकारी लगी तो भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए क्षेत्रों से पहुंचने लगे और देर शाम तक भक्तों का आना जाना लगा रहा। पुलिस प्रशासन रहा मौके पर मौजूद। कल रात से ही पुलिस प्रशासन ने मानोरा में अपना डेरा जमाया और हर चौक चौराहे एवं रथ यात्रा के चारों ओर पुलिस के जवान मौजूद रहे। एक जगह लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया गया, आवागमन के रास्ते भी डाइवर्ट कर दिए गए। हमारे लिए मानोरा चलना है तो वहाँ के पंडा ये प्रतिमा लेकर यहाँ पर आए और उस टाइम पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान की स्थापना हुई और जो उत्सव उड़ीसा जगन्नाथपुरी में मनाते वो यहाँ भी मनाते हैं। हमारी यात्रा हो जाती है सुबह 7:30 से प्रारंभ हो जाती है, वहाँ की यात्रा होती है 12 के बाद और वहाँ के पंडा लोग अनाउंस कर देते हैं कि भगवान मानोरा गए। तो ऐसा क्या क्या भगवान के आयु प्रमाण है कि लोगों की इतनी बड़ी आस्था है कि यहाँ पे भगवान जगदीश स्वामी स्वयं पधारते हैं, ऐसे क्या प्रमाण लोगों को दिखाई देते हैं? प्रमाण ये कि अपने जो तरफदार साहब उनको लेकर यहाँ पर आए और जो भी इच्छा लेकर आते हैं दर्शनार्थी उनकी इच्छा पूरी होती है, कार्य सफल होते हैं। बताया ऐसा भी जाता है कि सुबह रथ यात्रा की सुबह अपने आप से पट खुल जाते हैं, आषाढ़ को यहाँ पर पट खुलते हैं और पट खुलने के बाद भगवान की सेवा पूजा भोग प्रसाद आरती के बाद रथ पर सवार होते हैं और जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। कितने वर्षों से चली आ रही है? 187 वर्ष से मतलब ये रथ यात्रा होती जा रही है और ये
बात करत जान अभी यहां से बने मंदिर में।